हाय एवरीवन, सो अरे यार पैर चला गया मिट्टी में. सो दिस इज आवर डे टू, सॉरी डे थ्री इन कश्मीर. एंड नाउ हम लोग पहलगाम से दोबारा जा रहे हैं श्रीनगर वापस, क्योंकि वहीं से ही फिर हमारी फ्लाइट है. तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, पीछे लिडर रिवर है, आप लोग देख सकते हैं. बहुत ही बहुत ज्यादा प्यारा व्यू है. रुकिए आप लोगों को दिखाती हूँ. हाउ ब्यूटिफुल इज, लुक एट द ब्यूटी, दिस इज लिडर रिवर फ्लोइंग. ये देखिए कितनी सारी शीप हैं. सो दिस इज द लिडर रिवर फ्लोइंग हियर. और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं थोड़ा फोटो वीडियो बनाने के. देखो कुछ एक्शन करो. तो अभी हम लोग श्रीनगर जा रहे थे, रास्ते में एप्पल ऑर्चर्ड पड़ा था तो हम यहाँ आए थे. और आप लोग देख सकते हैं कश्मीरी एप्पल यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कश्मीरी एप्पल. यही खा के कश्मीरी लोग बिल्कुल एप्पल जैसे होते, वाइट एंड रेड है ना. आइए आप लोगों को आगे ले चलती हूँ. तो दिस इज रियल एप्पल जूस. और ये बिल्कुल रियल है कश्मीरी एप्पल का जूस. और जो फिज वगैरह पीते हैं वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत आर्टिफिशियल लगता है. हाउ इज दैट, यम है? और क्या क्या है यहाँ पे? तो सब आर्टिफिशियल मिलेगा यहाँ का, तो डुप्लीकेट भी अच्छा होगा. गाइस, तो अभी वी आर ऑन आवर वे टू श्रीनगर. अभी रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक शोरूम है. यहाँ पर आपको कश्मीर की जो भी स्पेशल चीज़ें हैं वो सब मिलेंगी, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल. और थोड़ी सी मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी तो हम यहाँ पे रुक गए हैं, चिप्स वगैरह खा रहे थे. बस अब हम लोग यहाँ से जाएंगे श्रीनगर और वहाँ पे घूमेंगे डल लेक एंड ऑल. अभी हम लोग आ चुके हैं लंच करने के लिए और बहुत ही तेज से भूख लगी थी. क्या मंगाया है? दाल फ्राई, आलू गोभी मसाला, पालक पनीर, तंदूरी रोटी. उनको बुलाओ, कब आएंगे? फोन नहीं कह रहे ये ऑर्डर. So this is how the restaurant looks like. It's a very decent restaurant. अब हम लोग डल लेक राइड करने जाएंगे. खुशरा, डल लेक राइड. तो अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली शिकारा राइड के लिए. और खाना खा लिया है तो अभी हम लोग आ चुके हैं शिकारा राइड के लिए. शिकारा मतलब बोट को यहाँ पे शिकारा कहते हैं, ये राइडिंग वाली जो बोट होती है. और ये है डल लेक. आप लोग देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल आर दीज. आई एम टोटली इन लव विद दीज बोट्स एंड दिस प्लेस. कितनी प्यारी है ना ये बोट्स. अभी हम लोग जाएंगे इन्हीं में राइड करने के लिए. और आप लोग सामने का नजारा देख लीजिए, दीज आर माउंटेन्स. दिस इज डल लेक. कितना ब्यूटीफुल है ना, लुक एट द व्यू, अमेजिंग. लोग आ चुके हैं शिकारा राइड करने एंड मैं बहुत ही अमेजिंग लग रहा है. कैसी फीलिंग आ रही है ये बताना बहुत डिफिकल्ट है. शायद आप जब कोई आएगा तो वो यहीं आके ही वो फील कर पाएगा. और बहुत ही ब्यूटीफुल है सब जगह, आप लोग देख सकते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं कश्मीर में फ्लोटिंग मार्केट है. ये यहाँ पे काफी चीजें मिलती हैं फ्लोटिंग मार्केट में. आप लोग देख सकते हैं, लुक एट द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल इज. कौन सा दे रही हो? कोई दे रही हो? तो ये सब कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स एंड पेंटिंग्स एंड ऑल ये लोग बेचते हैं. ये सब फ्लोटिंग मार्केट है, आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे. तो
तो अब हम लोग शिकारा राइड करके आ चुके हैं और बस जा रहे हैं हम लोग जल्दी से। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो घूमने जा रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं मुगल गार्डन, आप लोग ये देख सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं अंदर, चलो तो अंदर से देखते हैं कि कैसा कैसा होगा ये। आई एम डेड श्योर प्यारा ही होगा सारी जगह की तरह। और आप लोग को चिड़िया के चहकने की आवाजें भी आ रही होंगी। यहाँ से सूरज डूबने वाला है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट ना। तो अभी हम लोग मुगल गार्डन से निकल चुके थे। ये कौन सा गार्डन है? निशात गार्डन। ये निशात गार्डन है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफी प्यारा व्यू आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। और ये लाइन ये मैं कम से कम कश्मीर आके 100 बार बोल चुकी हूँ। लुक एट दीज पिंक रोजेस एंड फ्लावर भी यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे हैं। आई मीन यार इतने प्यारे फ्लावर्स और इतनी वैरायटी के हमारे यूपी में तो नहीं है। अनलकी लोग देख सकते हैं, चिड़ियों की आवाज है नेचुरल, बिल्कुल नो एडिटिंग, कितनी प्यारी है ना। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अभी हम लोग बस यहाँ से जा रहे हैं होटल, और हमारे होटल का नाम है होटल ग्रैंड महल। बस अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। लुक एट द ब्यूटी। यहाँ पे कुछ चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। एंड लुक एट द ब्यूटी, हाउ मेस्मराइजिंग इज दैट। ये देखिए बजरंगी भाईजान में ऐसे ही टाइप की बस होती है ना, वही जा रही है जिसमें वो छुप के जाते हैं सलमान खान। अब यहाँ पर हम लोग आए हैं थोड़ा सा कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, फिर स्पेशल चीजें हैं। तो वी हैव फाइनली रीच्ड श्रीनगर और ये होटल ग्रैंड महल में आज हमारा स्टे है। और कल जो हमारा स्टे है, कल लास्ट डे है, वो हाउस बोट पर है रात को। तो या उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब हम लोग जा रहे हैं बस अंदर। ये वाला होटल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है। चलिए मेरे साथ फाइनली। और कल हमारा लास्ट डे यार, बड़ा बुरा लगेगा, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि यहाँ पे मतलब बस जाए। श्रीनगर एंड दिस इज ग्रैंड महल होटल। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे आज, बस आज ही का स्टे है यहाँ पर। और कल हम लोग चले जाएंगे, हाउस बोट पे हमारा स्टे है। तो अच्छा है रूम, काफी यू नो स्पेशियस है, सारी चीजें अच्छी है। सर्विसेज वगैरह कैसी होंगी वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी आगे के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज सुबह से लेके रात तक आई वाज शूटिंग द ब्लॉग, और पहलगाम से यहाँ तक आने में काफी हेक्टिक हो गया है। अब मैं मेरी बिल्कुल हालत नहीं हो रही है कुछ भी शूट करने की। तो अब मैं कल जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, पता नहीं अभी कहाँ जाएंगे, शायद गुलमर्ग जाएंगे, तो या वहां का ब्लॉग शूट करूंगी। टिल देन बाय, टेक केयर।